दोस्तों, एक कहानी है मेरी ही तरह क्यूट से दिखने वाले एक पॉर्क्यूपाइन की। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरअसल यहाँ पर जंगल के सभी छोटे जानवरों का एक छोटा सा स्कूल होता है, जहाँ पर आज इस प्यारे से पॉर्क्यूपाइन का एडमिशन होता है। लेकिन इसके पीछे लगे कांटों की वजह से सब इसको बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं। इसके कांटों की वजह से कोई भी इसको स्कूल बस में अपने पास नहीं बिठाता। यहाँ तक कि अगर कोई इसको अपने साथ खिलाना भी चाहता है तो उसके कांटों में बॉल लगकर बॉल की सारी हवा चली जाती है। अगर कोई जानवर इससे दोस्ती भी करना चाहता है तो पास जाने पर इसके कांटे उस जानवर को चुभ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद ये पॉर्क्यूपाइन सोचता है कि लाइफ में इसका कभी कोई दोस्त बन ही नहीं सकता, जिसके बाद ये बहुत ही उदास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन जानवरों के बीच एक छोटी सी गिलहरी भी होती है, जो कि बाकी जानवरों के साथ मिलकर इस पॉर्क्यूपाइन के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है, जिसके बाद सभी मिलकर इस पॉर्क्यूपाइन को एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। लेकिन बेचारे को उस बॉक्स के अंदर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर वो गिलहरी बॉक्स में से निकले हुए फोम के पीसेस को इस पॉर्क्यूपाइन के कांटों के पीछे लगा देती है, जिसके बाद सभी जानवर बहुत ही प्यार से इस पॉर्क्यूपाइन को गले लगा लेते हैं। और सच में ये सीन मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर बताना।